ओम शांति। ओम शांति। के अंदर बीमारी है तो किस डॉक्टर के पास जाएंगे आप? आंखों के अंदर ठीक नहीं तो आंखों के डॉक्टर के पास जाएंगे ना। कान ठीक नहीं है तो आंखों के डॉक्टर के पास जाओ तो ठीक होगा? नहीं, कान का डॉक्टर अलग है। तो यहां भी आपको कौन सा भगवान चाहिए? अब बताओ, भगवान तो कौन सा चाहिए? कौन बताएंगे भाई साहब? बताओ भगवान कौन सा चाहिए? बहुत भगवान है, बहुत डॉक्टर है, तो कौन सा डॉक्टर चाहिए? पाप मिटाने वाला डॉक्टर चाहिए। अंदर आत्मा के अंदर जो पाप है, डॉक्टर कौन सा चाहिए? शरीर की बीमारी ठीक करने वाला डॉक्टर चाहिए। ऐसे डॉक्टर का दर्शन करने नहीं जाते हो, जो बीमारी मिटाता है वो डॉक्टर चाहिए, ऐसे है ना। तो भगवान भी कौन? जो पाप मिटाने वाला चाहिए। तो पाप किसने मिटाता? कहा श्री राम ने कहा मैं पाप मिटाता हूं, श्री कृष्ण ने कहा, लक्ष्मी ने कहा, दुर्गा ने कहा, पाप मिटाने वाला कौन? एक पाप कटेश्वर कहा, सत्यम शिवम सुंदरम कहा। सत्य कौन है? भगवान सत्य। कौन है वो? शिव है। उसने, उसका नाम वो पाप कटेश्वर, पाप मिटाने वाला है। तो पहले जानना चाहिए हमको, बाकी सब देवी और देवता ही कहते हैं। किसी ने नहीं कहा मैं पाप मिटा, तो लक्ष्मी की पूजा करो, सरस्वती की पूजा करो, विद्या मिलेगी, धन मिलेगा, लेकिन पाप कोई नहीं मिटा सकता है। तो ये अच्छी तरह से जानना। तो उसका नाम शिव, शिव के मंदिर में जाओ तो क्या होगा? उधर लिंग होगा, निराकार, ज्योतिरूप, चित्र मनुष्य का चित्र नहीं। भगवान जनन मरण के अंदर नहीं आता, अभोक्ता, अजलमा, निराकार, कभी जनन मरण में नहीं आता है, खाता पीता नहीं है, अभोक्ता, अजलमा, निराकार, सत्यम शिवम। उसने कहा कि मैं पतित आत्मा को पावन करता हूं। इसमें कोई संशय है तो बताओ, कि हम सुना तो दिया आपको, आपके पर विश्वास है कि कोई दुविधा है तो बताओ, इसमें कोई दुविधा है? किसी को भी है तो बताओ, क्योंकि सुनना आपको है ना, दवाई डॉक्टर देगा, खाना किसको है? आपको है ना। तो अगर आप कहेंगे दवाई नहीं खा सकता मैं, तो क्या करेंगे, बीमारी कैसे ठीक होंगे? तो इसमें कोई दुविधा अगर हो, भाई जी हम ये मानते नहीं हैं, ऐसा कोई है तो हाथ उठाओ। किसी के हाथ, किसी के पास है? भगवान एक है, देवताएं अनेक है। भगवान एक, सत्यम कृष्णम सुंदरम नहीं कहा, सत्यम रामम सुंदरम नहीं कहा, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य कौन है? शिव। उसने कहा मैं पतित आत्मा को पावन। इसमें के अंदर किसी को कोई संशय है तो हाथ उठाओ। किसी को है? जो सभी मानते हैं, जो कहते हैं भाई जी हम शिव भगवान एक है मानते हैं, वो हाथ उठाओ। देखो कौन कौन उठाते हैं। हाँ, आपने उठाए नहीं, मानते हो, अच्छा ठीक है। इसमें कोई दुविधा तो नहीं? दुविधा है तो पूछना, क्योंकि अंदर एक बाहर नहीं। जो कुछ लेने जाए, मार्केट में जाते हो, जो अच्छी चीज़ वो लेंगे ना, तो कहेंगे ना ये चीज़ ठीक नहीं है, हमको नहीं चाहिए, ऐसे है ना। तो इसमें किसी को दुविधा है तो बताओ। भाई जी को है? चेयर पर भाई जी पीछे बैठा, आपके अंदर मन में कोई दुविधा है तो बताओ, क्योंकि आपने हाथ नहीं उठाया। कोई दुविधा है? भगवान और देवता जो अभी कहा, उसमें कोई दुविधा है तो बताओ। कोई तकलीफ है? नहीं है ना। भगवान एक, निराकार। क्यों? उसने डॉक्टर बहुत है। किस डॉक्टर ने कहा मैं आंखों का ऑपरेशन करता हूं? सभी नहीं करते हैं आंखों का ऑपरेशन करने वाला ये। उसको कहो मेरा कानों का डॉक्टर के पास जाके कहो मेरा आंखें ठीक करो, करेगा? करेगा नहीं है ना। तो ये जानना चाहिए आत्मा के पाप मिटाने वाला कौन। किसी ने कहा मैं पाप मिटाता हूं, ये करो ये करो ये करो ये करो, कहा पाप मिटाता नहीं कहा। तब दुनिया ने कहा चाहे लाख करो चतुराई, लेप मिटे ना रे भाई। कोई भी पाप मिटाने वाला नहीं, ये लेप जो चढ़ा हुआ है आत्मा के ऊपर पापों का, वो कोई मिटा नहीं सकता है।
तब सब शास्त्रों में सबने कहा, तब कहा कि भगवान जो निराकार है, जब जब धरती पर अधर्म होता है, दुख होता है, तब वो स्वयं आता है। वो स्वयं आकर के आत्मा का और परमात्मा अपना परिचय देता है, मैं कौन, एक निराकार ज्योति। किसी ने शरीर छोड़ने के बाद ज्योति जगाते हैं, है ना। रामेश्वर, राम ने भी ईश्वर की तपस्या पूजा किया। गोपेश्वर, श्री कृष्ण ने भी शिव की मूर्ति रख करके, लिंग रख के पूजा किया, है ना। तो हर जगह पर निराकार एक है, वो पतित आत्मा को पावन करता है। अब उसके साथ ध्यान कैसा लगाए, जैसे आप इधर बैठे हो, बाहर सूर्य आया था दिन में, तो आपको अंदर बैठे सूर्य की किरणें मिलेंगी, मिलेंगी धूप नहीं मिलेगी ना। अगर सूर्य की किरणें चाहिए तो शरीर को बाहर ले जाना है। सूर्य बाहर आया हुआ है, अगर बाहर 5 मिनट धूप में बैठो तो सूर्य, ये सूर्य क्या करता है, शरीर का पसीना निकालता है, शरीर की गंदगी निकालता है। तो पतित आत्मा को पावन करने के लिए और एक सूर्य है। गीता में कहा कोटि सूर्य सम प्रभा है, कोटि सूर्य जितना प्रकाश वाला है वो निराकार, तो वह आत्मा का पाप मिटाता है।